तो छबड़ा रोड पे अभी चल रहा हूँ और कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम करने के लिए रुका हूँ। तो यहाँ पानी की कुछ सुविधा देख के और ठंडी छाया, जो जामुन की मेरे पीछे में देख सकते हैं आप, तो ये जामुन की छाया है और इसी में दिन के 2 बज रहा है, गर्मी का मौसम है तो हाल तो बेहाल हो चुका है। चलते चलते सुबह से चल रहा हूँ, सुबह से चल रहा हूँ तो परेशान तो हो चुका हूँ, इस वजह से यहाँ कुछ समय के लिए रुका हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे और मुझे यहाँ पर कुछ ठंडा वातावरण लगा, इस वजह से मैं रुक गया हूँ। और मेरे इधर आप देख सकते हैं हाई स्पीड रोड है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये इस तरीके से ऐसा रोड है और इस हाई स्पीड रोड पर मैं कुछ आराम करने के लिए रुका हूँ। यहाँ रुका क्यों हूँ तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इस तरह से रोड है और ये रोड के इधर दूसरी साइड में जो आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल अभी तपती दोपहर में दिन के 2 बजे हैं और बहुत गर्मी वाला मौसम है। देखो ये इस तरह से, ये अभी धरती तप रही है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और यहाँ से शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिटी यहाँ से इतनी दूर नज़र आ रहा है। और इधर दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस भाई ने कुछ यहाँ पे सब्जी वब्जी लगा रखी होगी, शायद अंदर चल के देखने से तो क्या फ़ायदा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस भाई ने जो भी महान व्यक्ति है, कोई भी श्रद्धालु गण हैं, तो इस भाई ने देखिए यहाँ पे टंकी लगा रखी पानी की, और ये स्वयं के हित के लिए नहीं लगा रखी है इस भाई ने, जो ये टंकी लगा रखी है ये दूसरे के हित के लिए लगा रखी है, और ताकि आने जाने वाले मुसाफिर लोग, यात्री लोग यहाँ पानी पी सके। और देखो जामुन की छाया है ये ठंडी, ये जामुन का पेड़ है और बिल्कुल ठंडी छाया यहाँ पर आ रही है। कितना बुद्धिमान व्यक्ति, कितना धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होगा जो जिसने ये पानी की टंकी बनाई है। और राजस्थान में सूखा ज़्यादा होता है, लेकिन ये इधर देखो खेतों में कुछ हरियाली, मामूली हरियाली हल्की हल्की नज़र आ रही है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये इस तरीके से। और दोस्तों ये मत समझना कि मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे पास कोई ना तो कोई इतना समय था और ना कोई किसी प्रकार का वीडियो था मेरे पास, इस वजह से मैंने यहाँ पे यही वीडियो अपलोड करना उचित समझा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं, और मेरे पास कोई वीडियो इससे ज़्यादा नहीं होने के कारण मैं दूसरा और कोई वीडियो नहीं दिखा सका आपको, और यहाँ पे कुछ समय के लिए ना तो समय मिलता है काम की वजह से, और तो मैं ना तो वीडियो अपलोड कर सका कोई और अन्य, और मुझे यही अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे रुक के और वीडियो अपलोड करने लगा। और अब चलते हैं, थोड़ा रवाना हूँ मैं और आगे के मंजिल के लिए कुछ चलेंगे, और वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं, बाकी मेरा सफ़र अभी बाकी है तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं। मैं आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद, थैंक यू जी।